हाय एवरीवन, सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। सो वॉकिंग को लोग समझते हैं कि इट्स जस्ट अ वेरी लो इम्पैक्ट कार्डियो, तो उससे क्या ही होगा और वेट लॉस में वो हेल्प नहीं करेगी। बिकॉज व्हेन यू सी ऑनलाइन इतनी सारी वीडियोस रिलेटेड टू हाउ टू लूज़ वेट एंड हाउ टू डू एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू वेट लॉस, आप हमेशा ये सोचते हैं मोस्टली कि हम सिर्फ किसी तरीके का हिट कर या किसी डिफरेंट तरीके की वर्कआउट्स कर ही वेट लूज़ कर सकते हैं, एंड वॉकिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन अगर आपको वेट लूज़ करना है। बट दैट्स नॉट ट्रूथ। वॉकिंग कर आप बहुत अच्छा खासा वेट लूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट वॉकिंग इज़ समथिंग जो कि बहुत ही लो इम्पैक्ट कार्डियो है, बट इट हेल्प्स टू बर्न कैलोरीज। अगर आपकी कैलोरीज बर्न होंगी तो यू विल बी इन कैलोरी डेफिसिट। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे तो इवेंचुअली यू विल लूज़ वेट ऑल्सो। तो बहुत सीधी सीधी बात है कि इनिशियली जब हमारी वेट लॉस जर्नी चालू होती है, हमारा वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो दैट टाइम हम और कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। एक तो हमें अंदर से मोटिवेशन भी नहीं होती है कि हम किसी भी तरीके का वर्कआउट कर पाएँ। बट दैट इज़ द टाइम जब हमें वर्कआउट के लिए बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम जब हमें वॉकिंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ कार्डियो, इट्स अ लो इम्पैक्ट कार्डियो। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा जिसका वेट है, लाइक 100 है या 100 प्लस है, वो लोग भी वॉकिंग कर सकते हैं, एज वेल एज वो लोग भी वॉकिंग कर सकते हैं जिनका 60 kgs वेट है या मे बी 70 और समथिंग, राइट? तो कहने का मतलब ये है, हर बंदा वॉकिंग कर सकता है। वॉकिंग इज़ वेरी 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 गुड एक्सरसाइज। नाउ कितनी देर वॉकिंग करनी चाहिए इज़ अनदर क्वेश्चन, जो कि मुझे बहुत बार आता है, क्योंकि पीपल नो मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ कि आई गो ऑन वॉक्स, इवनिंग में मैं वॉक पर जा रही हूँ। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं वर्कआउट्स कब करती हूँ। मैं डालती रहती हूँ यूजुअली, काफ़ी बार मैं हफ्ते में 5 दिन तो ट्राई करती हूँ कि मैं इवनिंग वॉक्स पर जाऊँ एंड साथ में वर्कआउट्स करूँ। नाउ इनिशियली जब मेरी वेट लॉस जर्नी चालू हुई थी, तब मैं बिल्कुल भी वर्कआउट्स नहीं करती थी। आई वॉज ऑलमोस्ट 102 kgs। तो आप सोच सकते हैं कि 102 kg का बंदा कोई वर्कआउट कर सकता है जिसे मैं अब कर पा रही हूँ। तो मैंने अब वीडियोस भी डाली हैं वर्कआउट्स रिलेटेड ऑन माय चैनल, तो आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं इफ़ यू आर समवन जो वर्कआउट्स इंजॉय करता है। बट इफ़ यू आर समवन जो वर्कआउट्स इंजॉय नहीं करता है और जिसको जिसकी जस्ट स्टार्टिंग है अभी वेट लॉस की, तो देन आपको फिर वॉकिंग ही करनी चाहिए। नाउ कितनी देर वॉकिंग करनी चाहिए, मिनिमम 5 मिनट्स से स्टार्ट करो। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे कर आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। सो मैं एडवाइस करूँगी मिनिमम 30 मिनट्स करना है आपको। लेकिन इनिशियली जब हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो जो वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए उसके बाद हमें धीरे धीरे कर ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए। इनिशियली हमें सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स वॉक कर लेना चाहिए, राइट? एंड अप टू 1 आवर अगर आप कर सकें तो अमेजिंग। नाउ स्टेप्स कितने काउंट करने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वन क्वेश्चन विच आई गेट अ लॉट, आप स्टेप्स काउंट करते हैं क्या? सो स्टेप्स काउंट करने के लिए देयर इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट इज़ देयर, फिटनेस ट्रैकर। तो फिटनेस ट्रैकर मतलब हो गया इस तरीके की वॉचेस, फिटबिट होती है या फिर ये एप्पल की वॉच है, दिस इज़ सीरीज़ 4, क्योंकि मुझे कई बार क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी वॉच पहनते हैं। सो दिस इज़ एप्पल वॉच सीरीज़ 4, ठीक है? इससे क्या होता है कि मैं देख लेती हूँ कि मैंने पूरे दिन में कितने स्टेप्स वॉक किए हैं। नाउ इनिशियली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं सिर्फ 15-20 मिनट या फिर हाफ एन आवर मैक्सिमम वॉक करने जाती थी एंड मेरा काम बन जाता था, बढ़िया हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे मेरी वेट लॉस जर्नी आगे जाती गई और मुझे लगा कि मेरे में अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई है, नाउ माई बॉडी इज़ रेडी टू वॉक मोर, तो तब मैंने स्टेप्स काउंट करना, स्टेप्स ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए। तो आई स्टार्टेड विथ 5000 स्टेप्स। आपको बता रही थी कि मैंने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया अपने स्टेप्स की, मैं कितने स्टेप्स वॉक कर रही हूँ एवरी सिंगल डे। तो जब इनिशियल स्टेज थी तो मैंने 5000 स्टेप्स से स्टार्ट किया कि एवरी सिंगल डे मैं 5000 स्टेप्स वॉक करूँगी। और जब मुझे लगा कि धीरे धीरे कर मुझे बहुत आदत पड़ गई है एंड 5000 स्टेप्स प्रिटी ईजी हो गए हैं मेरे लिए, सो दैट इज़ व्हेन मैंने उसको 6000 कर दिया। एंड धीरे 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 कर आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। आप ऑनलाइन देखते हो ना जैसे कि आपको मिनिमम 10000 स्टेप्स वॉक करना चाहिए, विच इज़ ट्रू। 10000 स्टेप्स आपको वॉक करते हो अगर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी एक्टिव एंड दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू टू बर्न मोर कैलोरीज, इवेंचुअली विल हेल्प यू इन वेट लॉस, राइट? लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं ना, अपने आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वेट लॉस को सिंपल रखो, स्वीट रखो, स्टार्ट करो विथ 5000 स्टेप्स, धीरे 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 कर जैसे आपको लगे ईजी हो रहा है, 6000, 7000, 8000 फर्दर ऐसे कर बढ़ाते रहो।
तो आई थिंक 10,000 इज अ प्रीटी गुड नंबर. धीरे धीरे करके 10,000 तक पहुंचने का ट्राई करना चाहिए आपको. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू. मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि आई वांटेड टू टेल यू गाइस दैट इट्स वेरी वेरी इजी टू डू वर्कआउट्स. पीपल थिंक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे ओनली फोकस ऑन कि किस तरीके का वर्कआउट हम करें, बिकॉज ऑनलाइन कितना कुछ अलग अलग तरीके का वर्कआउट दिखता है. जस्ट स्टार्ट विथ नॉर्मल वॉकिंग. हाँ, और वॉकिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो वॉकिंग की ऐसी स्पीड नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं जाती हूँ पार्क में जब भी वॉक करने के लिए, आई सी टू पीपल, टू फ्रेंड्स टॉकिंग एंड वॉकिंग, और वो आराम से बात करते करते दे वॉक एंड टॉक. उससे क्या होता है कि आप उतना ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हो. इनिशियली भले आप 5-10 मिनट ही कर पाओ, लेकिन स्पीड थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है. स्पीड थोड़ी सही रखना बहुत ज़रूरी है. तो ट्राई करना है आपको कि आपकी स्पीड सही होनी चाहिए, मतलब थोड़ा तेज़ जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है, जिसमें आप अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे मूव कर कर एंड तेज़ वॉक करें, तो वो बेस्ट है. एक और चीज़ कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता है दिन में 30 मिनट्स, यू आर वेरी बिजी निकालने, तो 10 मिनट्स के आप 2-3 पार्ट्स कर, मतलब सुबह आपने 10 मिनट का वॉक कर लिया, दिन में 10 मिनट का वॉक कर लिया, इवनिंग में जब टाइम मिला तब 10 मिनट का वॉक कर लिया, इवनिंग में जब टाइम मिला तब 10 मिनट का वॉक कर लिया, तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिन में 30 मिनट्स टू अप टू 40 मिनट्स का वॉक कर सकते हैं. और जब आपकी स्ट्रेंथ आपको लगे कि बिल्ड हो गई है, दैट इज़ व्हेन योर बॉडी विल इटसेल्फ टेल यू कि नाउ इट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट विल बी आप किसी भी फॉर्म का वर्कआउट कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हेन आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं विच आर रिलेटेड टू वर्कआउट्स. सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऑफ दोज वीडियोज़. एंड ये थी मेरी वीडियो. आपको अगर अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, मेक श्योर यू लाइक इट एंड शेयर इट विद मोर पीपल. और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर आपने नहीं किया है. नीचे है रेड सब्सक्राइब बटन, आपने करना है उस पर क्लिक. उसके बगल में जो बेल बटन है, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. डजंट थिंक गाइस, बाय बाय.